Joining us today for the launch of Happu Ki Ultan Paltan. At ANTV, we've always believed to experiment and explore concepts across various genres that really bring in a lot of exciting content experience for our viewers. And adding another entertainer to this and bouquet, we're pleased to introduce another family sitcom, which is designed on the character Daroga Happu Singh. He's been loved by the masses and enjoys nationwide following. So you've all loved him as the pot-bellied Daroga. Now you're going to see his khas andaz as a family man, a son, husband, and a father to not one, not two, but nine notorious kids. Arey dada, fir se aa gaye. Apna bole mundi kati hai, suno. Jaisi hai wo sab sahi hai. Hum jo keh rahe the ki tumoran ko itni khujli hai. तो खुद के घर में का चल रहा है बस कौन लेनो देनू ना है ये घर की कहानी का आई मुंह उठा के सारे अरे आ गए हैं अरे तुम्हारे घर में भी तो ऐसे ही हो तो है जा मैं का है आ गई का खुजली है ना जो सबकी आदत होती है अपने घर में का चल रहा हूँ बस कछु लेने देने नहीं है लेकिन दूसरे के घर में का चल रहा हूँ बाकी लाने पहले आग लगी है का भी तुम शुरू हो गए दिन में सुना इनसे ज्यादा आग जो है तुम्हारे गुर्दों में लगी हुई है वो भी राजेश के लिए समझे कि नहीं अच्छा और जो तुम्हारे गोर्दन में आग लगी है बिमलेश की लाने बागो का देखो देखो बात मत बदलो बात मत पलटो देखो इनके सामने बता रहे हैं देखो तुम्हारे चक्कर में जो है हम इतने बार इनके तुम्हारे प्यार के चक्कर में कितने बार कुटे तुम्हारे अम्मा बाबूजी से राजेश के अम्मा बाबूजी से लेकिन तुम जो है अपनी साली बिमले से हमारी सेटिंग कराए कि नहीं कराए चाहिए ना कुटू है कुटू तू सारे कौन को गिना रहो बचपन को दोस्त है सारे तू मदद ना करेगा तो पड़ोसी करेंगे कुटू है एहसान गिना रहो सारे सुन जब जब हमें मौको मिलता है ना राजेश के कान में बात डाल देते हैं कि बिमलेश को मतलब ध्यान दे और बैनी प्रसाद को कछु टाका फिट करवाए लगे कोशिश में लगे हैं यार हाँ हाँ कद्दू कोशिश में लगे हो तुम है? और क्या जवानी बीती जा रही है देखो अब तक तो अगर तुम कायदे से कोशिश करते ना हाँ। तो बिमलेश इधर होती इधर और तुम्हारे जैसे नौ नौ ठो नौ ही सही लेकिन चार पांच ठो तो यहाँ भी बच्चे खेलते ना तनक सबर कर ले सारे नौ नौ ठैया खेलेंगे नहीं आंगन में खोपड़ी में घूमेंगे ऐसे तक अंदा में उचके को एक छाती कूटेंगे तुम इतना शवर कर ले मामा बन के आओ हट अरे मामा से याद ये बताओ ये चाची कहाँ है उनको चाची को छोड़ा है अम्मा हाँ अरे ले अम्मा को तो साथ ही ले आई थी लेकिन कहा है चक्कर का चल रहा हुआ पिताजी तो मर गए 10 साल पहले लेकिन आज भी अम्मा को दिखती है नाखूनी भी लगती है तो उनसे पूछ के लगती है कौन सी लगा लें जवाली सही है कि जवाली सही है उन्हीं के संग पंचायत कर रही हूँ खैर बुला रही अरे अम्मा अरे अरे कारनास पीटो जब तू बुलाएगो तभी आएंगे हम का तेरे गुलाम है हमने तुम्हारे पिताजी की गुलामी ना की जो तुम्हारे करेंगे तुम जो बताओ इतने सोचो प्रेस वाले बैठे हैं तुमने दिन में टिका ली इतने को बेशरम जे कोई टेम है टिकाने का और सबके सामने सबको कटोरी अम्मा का नमस्कार सबके सामने कैसी बात अरे जो ना कह रहे हम जो कह रहे कि अकेले आई हो का जो कह रहे अरे अकेले आए हमारे दुश्मन हाँ। तुम्हारे पिताजी भी साथ आए हैं पाँव छुओ जाके पिताजी आए आओ इते को है उते को बैठ आओ आओ जय हो उते है पिताजी उते आगे बढ़ जा आगे आओ जय हो अरे इते को किसा के लिए इते को इनको फिक्स करो ना यार एक जगह कहाँ है कहाँ हाओ अरे हमारी समझ नहीं आ रहा खुद भी घूम रहे हो हमारे हपुआ को भी घुमा रहे हो एक जगह खड़े हो जाओ चुप खड़े हो गए जा उते को पाओ छू जीते रहे का कह रहे जीते रहो कह रहे हाओ हाओ जी ही रहे ससुर जो बताओ मैं राजेश ना दिख रही कहाँ गई हम कहाँ जाने कहाँ है महारानी निकली तो हमसे पहले थी बीच में अटक गई होगी अरे अम्मा अटक ही तो गई हो तुम हाँ पूरे मोहल्ले की टुकड़िया उठ गई लेकिन तुम अभी तक नहीं उठी घबराओ मत हम इतनी जल्दी ना निकलने वाले ये तुम धल्ले हो हाँ, हाँ। अकेले हमने पैदा ना करो है अरे बेशरम लुगाइयों वाला काम कर रहे है लुगाई को गुलाम अरे हमने भी बच्चे पाले हैं जे अकेली अम्मा ना बनी है तो कौन से हीरा पैदा कर दे अम्मा तुमने हां तुम्हारी बात सुन रहे हैं हम समझे तो यार ठीक है ना तुम सोचो दुनिया बैठी कभी तुम्हें ड्रामे होती है तुम काय चचे आ रही कटोरी हाथ दो का है अपने पिताजी पे बैठ गए हो अबे कह रही थी खड़े हैं
अरे यार इनको मामलो फिक्स करो, इनकी ज्यादा मरे के बाद ज्यादा उठ रही है बैठ रही है। तुझे तो पता है ना कि तुम्हारे पिताजी हमसे इतना प्यार करते 24 घंटे हमारे आसपास मंडराते रहते हैं, उसे को किसको। चलो तुम्हें ये हाय फादर्स, हाय ग्रैंडमदर्स, ओ हेलो 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 ऑल ऑफ यू फ्रॉम माय सैडी कमलेश। हे कैट, टुमारो यू आर गोइंग इन बर्थडे पार्टी राइट? टुमारो नो टुमारो Tomorrow me going to Jhakarkandi with mother. Oh no. If you will not go, I'm not go because I'm boring. Oh Kamlesh, so sweet. अरे यार तू कहाँ चल रहा है? Hey! अरे दादा! अरे ओ! तन्या! अरे! तारी बैंड बजा तू इधर से! अरे अम्मा हमारी! अरे ओ! अरे इधर! कहे मार रही तो? अरे तो मार ही डालेगी, जान से मार डालेगी! मने! तो और क्या करूँ? तने पता है मने के कह रहो तो? क्या कह रहो तू? जे मने के तो कि मैं थारी बेटी ना सू। ओ वेरी क्यूट। मार सारे को और मार। मारो। अरे अरे अब तो ये सच बात है। हट सारे, हमारी बेटी ना जाको ज्यादा पता है। सारे भाई है हाउ हाउ भैया तुम आई है। मलाई मलाई, हे मलाइका, हाउ यू आर? अरे तने कितनी बार बोला है जे अंग्रेजी में पकड़ पकड़ ना कर, तारी गुद्दी तोड़ मुके। मलाई, why are you crying over कमलेश? हाँ? बाप रे, कितनी अंग्रेज की औलाद है। तने कितनी बार कहूँ मारा नाम मलाई ना से, मारा नाम मलाइका से। व्हाटएवर, बेवकूफ। थोड़ी देर तुम्हारा तो है अपू। अरे और छोरे कहाँ गए? कमलेश, अरे वो कहाँ है? वो पढ़ाई पढ़ाई करने वाला छोरा कहाँ है? आ जाओ, कहाँ मर गए? ले पकड़ो सारे। अम्मा लल्ला रे, कहाँ आते तुम? एक खबर लाया हूँ। खबर बताओ। हाँ, मेरी बॉल है ना वो फट गई है। तू बिल्कुल अपने बाप पे गाओ। हाँ, निछावर चाहिए हर वक्त। दिलवाए दिए, पहले खबर का है जे बताओ। हाँ इधर आओ, इधर आओ। अरे वो अम्मा है ना, अम्मा कहो। अम्मा अच्छू नहीं, तुम आंखें ना दिखाओ करो। हाँ घर में एक से चोगल। अरे खुद तो आ गई सच के, बाकी बच्चन कहाँ रह गए? आए रहे अम्मा। कई बिटिया कहाँ रह गई तुम? तुम्हें इसे बोल ले जी आ गए हो। ए पढ़ा सुन नतिया, पढ़ा कुछ सारे जो बता। सिंगर वो कहाँ गो, गायक ये खतू कहाँ मर गो? जिंदगी है खुइया के खेत में। चल सीधो सारे टाइम से ना आइयो कब आऊँ? जिंदगी है कहाँ? ये माइक घुसेड़ देंगे मुंह में। दादी दादी दादी, हाँ जब ये मम्मी पापा आ रहे थे, हाँ तो मम्मी पापा से बोली कि ये डुकरिया का कछु इंतजाम करना पड़ेगा। अब हम जम के नींबू निचोड़ेंगे। यार जा, बिल्कुल बहुत बेकार है दादी की चमची खींच के देंगे। हट कछु ना कहो हमारे नाती नातन से, हमारे सब के सब चहेते हैं। ना ना ऐसो कछु नहीं है। ना ना जो चूकी चूकी जो बाजार है ना, ऐसो कछु नहीं है। इतनी देर से सोचो देख रहे हो, निछावर दियो नहीं तो नौ नौ ठैया कहाँ से पलेंगे? और तुम्हें तो आओ हे, तुम आज भी ऐसी शर्माती हो हैं? सुनो अम्मा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके थक गई हूँ, तो घर जाके जिक्का करेंगी। खराता लियो परे परे। तो फिर दसवें की तैयारी शुरू करें। भाभी जी घर पर है, फेम मिस्टर संजय कोहली ऑन स्टेज। हिट शो, थैंक यू फॉर राइटिंग सो वेल फॉर भाभी जी दैट इट इज सच अ पॉपुलर शो टुडे। हैड भाभी जी नॉट बीन देयर, आई थिंक दिस शो वुडन्ट हैव बीन देयर, दिस कैरेक्टर वुडन्ट हैव बीन देयर। आई कैन जस्ट टेल यू अ फ्यू स्मॉल थिंग्स दैट व्हेन Hapu Singh character was coming in Bhabhi Ji, and Manoj Santoshi had written this character, Shashank had conceived this character, there was a lot of debate because the way he was talking,
everybody thought in the channel and we also thought ke yaar bolta kaise hai, samajh mein nahi aata kya bolta hai yaar, ye chalega ki nahi chalega, but team ka conviction tha ke chalega. Ye jo ek aadmi sirf 2-3 episode ke liye aaya tha has become such a huge popular character ki aaj uske upar ek show ban raha hai. Actually ye show bhi kaise bana ke Vishnu jo hamare business head hain channel ke, wo kab se bol rahe the ki ek show karo hamare sath, to hamare paas koi idea, wo keh rahe the ki tum har jagah show karte ho, ek every channel you go and do a show, why don't you do a show with us, you are such a popular number one show, bhabhi ji ghar par hai hamare channel pe. To apna jo naughty director hai hamara Shashank Bali, to maine usko bola yaar ek show ko sochte hain inke liye. To ek show aata hai Baywatch, bada popular show hai abroad, to Baywatch nights ek show aata hai, to wahin se hamare naughty director sahab ne bola ki sir bhabhi ji nights karte hain, isko aur naughty karte hain. Maine kaha isse zyada naughty kya karega bas, कि वो तो बहुत ज़्यादा नॉटी हो जाएगा. तो ये आइडिया हमने केतन को और प्रोग्रामिंग टीम को दिया, इन लोगों ने एकदम से कैच किया, विष्णु को थ्रो किया, विष्णु ने कैच किया इसको, और उसके बाद बात ये बनी कि इस शो को बिल्कुल एक अलग शो बनाते हैं फ्रॉम भाभी जी.